हेलो, वेलकम यू ऑल। टुडे वी विल स्टडी यूनिट टू सेशन 2.3 पार्ट 2 एंड द नेम ऑफ द सेशन इज एम्बेडिंग ऑडियो इन वेब पेजेस एंड द सब टॉपिक इज सिंपल प्लेयर विद एडिटेबल पैरामीटर्स। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस विद यू द ऑब्जेक्ट टैग। टुडे वी विल स्टडी वेरियस प्लेयर्स लाइक गूगल रीडर MP3 प्लेयर। तो जो हमारा गूगल रीडर प्लेयर है उसमें एक इन बिल्ट MP3 प्लेयर होता है, दैट इज प्रेटी मच द सेम एज जीमेल प्लेयर, जो हमारा एक जीमेल प्लेयर की तरह वर्क करता है। पर ये हमारा जो है गूगल रीडर, ये नॉन गूगल वेबसाइट्स पर भी वर्क करता है। गूगल की एक एडवांटेज है कि एक फ्रीली रिसोर्स है और इस प्लेयर में वॉल्यूम कंट्रोल्स भी अवेलेबल है, जो हमारा गूगल रीडर है। कोई गूगल की ब्रांडिंग नहीं है और ये हमारा ऑटो डिटेक्ट करता है ड्यूरेशन ऑफ द म्यूजिक फाइल की जो ड्यूरेशन है इसको ऑटो डिटेक्ट करता है, ताकि जो हमारे रीडर्स हैं उन्हें ये पता लग सके कि जो हमारा सॉन्ग है वो कितने ड्यूरेशन का है और वो कब ख़त्म होगा। नेक्स्ट हमारा है याहू MP3 प्लेयर, जो इस टाइम इनएक्टिव है। ये हमारे कुछ पुराने MP3 प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। सो जो याहू का MP3 प्लेयर था, याहू ऑफर्स अ कॉर्ड जनरेटर ईजी लिसनर टू हेल्प अस टू क्रिएट अ फ्लैश बेस्ड MP3 प्लेयर That matches our website color, theme and layout। जो हमारा याहू MP3 प्लेयर था वो ऑफर करता था एक कोड जनरेटर, एक ईजी लिसनर, जिसकी हेल्प से हम फ्लैश बेस्ड MP3 प्लेयर्स को क्रिएट कर सकते थे। और जो ये प्लेयर था वो हमारे वेबसाइट के कलर, थीम्स एंड लेआउट को मैच करता है। दो दिस ईजी लिसनर MP3 प्लेयर रिक्वायर्स यू टू पास द एड्रेस ऑफ द वेब पेज That contain the MP3 file, we can directly pass the MP3 link and it will work just fine। जो हमारा एक ईजी लिसनर MP3 प्लेयर था वो उसमें हमें जो एड्रेस होता था वेब पेज का उसे पास करना होता था, जो हमारा MP3 files को कंटेन कर रहा है। पर याहू MP3 प्लेयर में हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं MP3 लिंक को और वो हमारा जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाता है। इट सपोर्ट ऑटो प्ले एंड वी कैन डिसाइड वेयर द मैटर डाटा एसोसिएटेड विद द MP3 फाइल शुड बी डिस्प्लेड। और हमारा जो ये याहू MP3 प्लेयर है ये सपोर्ट करता है ऑटो प्ले एंड वी कैन डिसाइड वेदर द मैटर डाटा एसोसिएटेड विद द MP3 फाइल्स। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा मैटर डाटा है, डाटा इन साइड द डाटा, उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं करना। नेक्स्ट प्लेयर इज याहू मीडिया प्लेयर। जो हमारा याहू मीडिया प्लेयर है एक डिफरेंट अप्रोच से वर्क करता है। इसमें जो व्यूअर्स को क्या प्रेजेंट होता है, एक मिनिमल पीस ऑफ टेक्स्ट, मीन्स जो टेक्स्ट है वो लेस अमाउंट में शो होता है, प्ले बटन होता है इंस्टेड ऑफ अ फुल फ्लैश्ड प्लेयर। जैसे ही हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं एक फ्लोटिंग प्लेयर पॉपअप हो जाता है स्क्रीन पर और हम उसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अगर हमने एक MP3 ब्लॉग या पॉडकास्ट रन किया हुआ है तो वो रेगुलरली लिंक करेगा MP3 फाइल्स को, तो इसमें हम अलग से फ्लैश प्लेयर को एम्बेड करने की नीड नहीं है। सो इट इज़ वुड देयरफॉर रिकमेंड यूजिंग द याहू मीडिया प्लेयर। जो हमारा याहू मीडिया प्लेयर है ये ऑटो डिटेक्ट करता है लिंक्स को MP3 फाइल्स से हमारे वेब पेजेस में एंड एक क्रिएट करता है एम्बेडेड प्लेयर फॉर ईच लिंक। अरे हमारा एक क्रिएट करता है एक एम्बेडेड प्लेयर भी हर एक लिंक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा है मिक्सपोर्ट। मिक्सपोर्ट क्रिएट्स अ फ्री फ्लैश विजेट टू एम्बेड इन टू अवर वेबसाइट। एक फ्री फ्लैश विजेट है जो हमारा एम्बेड होता है वेबसाइट के अंदर। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या है इसकी, कि हम इसको साइन अप कर सकते हैं फ्रीली एंड द प्लेयर डिस्प्लेज अ लिंक टू, और प्लेयर को एक डिस्प्ले करना होता है लिंक मिक्सपोर्ट में। एंड प्रोज आर दैट वी गेट अ प्लेथरा ऑफ ग्रेट डिज़ाइन ऑप्शंस। इसके अंदर आपको बहुत सारे डिज़ाइंस के ऑप्शंस मिलेंगे और आपका जो सॉन्ग है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है इंक्लूडिंग आर्टिस्ट हो गया, सॉन्ग नेम हो गया, वो इसमें एम्बेड रहेगी। द एबिलिटी टू एडजस्ट द कलर स्कीम, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर की स्कीम को भी एडजस्ट कर सकते हैं टू मैच दैट ऑफ आवर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप कलर की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं एंड एक्सेस टू पॉपुलर सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट, और अपने पॉपुलर सॉन्ग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग अप अ मिक्सपोर्ट इज सुपर ईजी एंड रिक्वायर्स नो नॉलेज ऑफ कोडिंग बियॉन्ड वेयर टू पोज अ स्निपेट ऑफ कोड एज द गिव अस। इस मिक्सपोर्ट को सेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें हम कोडिंग की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल जो है कोड को
पेस्ट करना है। ऑल वी डू इज पेस्ट इन आवर MP3। आपको MP3 लिंक में जाकर के आपको अपने सॉन्ग का लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है। इंसर्ट द आर्टिस्ट ट्रैक इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल दी सॉन्ग्स इन योर प्लेलिस्ट एंड चूज योर कलर्स। देन मिक्सपॉट प्रोवाइड्स यू विद अ रैदर लार्ज चंक ऑफ कॉर्ड टू पेस्ट इनटू द साइट। द रिजल्ट इज प्रैक्टिस लेक। मिक्सपॉट इज जस्ट वन ऑफ मैनी प्रोवाइडर्स ऑफ फ्री फ्लैश प्लेयर दैट यू एम्बेड इन टू योर साइट। आप इस प्लेयर को मिक्सपॉट को एम्बेड कर सकते हैं अपनी साइट में और ये फ्री फ्लैश प्लेयर है। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग कलर के एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और ये इंक्लूड करता है आर्टिस्ट एंड सॉन्ग नेम्स। इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइंस के ऑप्शंस मिलेंगे। कौन सा इसका ये है कि एक साइन अप करता है फ्रीली। नेक्स्ट इज ऑडियो MP3 प्लेयर दैट इज इनएक्टिव। दैट इज मीन्स ऑडियो MP3 प्लेयर आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुका है और ये अब इनएक्टिव भी है। ऑडियो ऑफर्स अ प्रैटी इम्प्रेसिव MP3 प्लेयर। जो हमारा ऑडियो MP3 प्लेयर होता था उसके अंदर एक इनबिल्ट MP3 प्लेयर था जो हमारा परफेक्टली वर्क करता था वेब पेजेस पे और RSS रीडर्स पे। बट इसमें एक स्मॉल इशू था कि जो हमारा ऑडियो प्लेयर होता था वो रिक्वायर करता था कि हम टाइप करें कि इसकी जो सॉन्ग है उसकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या है। एम्बेड कोड के अंदर हमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन जो है टाइप करनी होती थी। यू कैन स्किप दिस स्टेप। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं बट देन द प्रोग्रेस बार वॉन्ट रिफ्लेक्ट द ट्रू स्टेटस। अगर आप इस स्टेप को स्किप करेंगे तो हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ट्रू स्टेटस व्हेन यू प्ले दी सॉन्ग। एंड देयर आर नो वॉल्यूम कंट्रोल्स। और ऑडियो MP3 प्लेयर में कोई वॉल्यूम कंट्रोल्स भी नहीं थे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडियो MP3 प्लेयर। नेक्स्ट आर हेल्पर एप्लीकेशंस। When the World Wide Web first got started, जैसे जब हमारा WWW स्टार्ट हुआ था, अगर हम बात करें जब हमारा ब्राउज़र जो था मोज़ैक आया था, उस टाइम पे एक नेटस्केप 1.0 भी आया था ब्राउज़र, जिसमें हमारी साउंड्स अवेलेबल हुई थी, बट देवर प्लेड विद द यूज़र। पर उन जो हमारी साउंड्स थी ब्राउज़र में उसको हम तभी प्ले कर पाते थे किसी हेल्पर एप्लीकेशन की हेल्प से। सो अगर हमारे ब्राउज़र पर हमें कोई सॉन्ग प्ले करना होता था मीन्स तो हमें उसको प्ले करने के लिए कुछ हेल्पर एप्लीकेशंस की नीड होती थी। हेल्पर आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है। जैसे आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, आपने यूट्यूब ओपन किया, आपने कोई सॉन्ग प्ले किया तो ऑटोमेटिकली वो सॉन्ग आपका प्ले हो जाता है और आपको साउंड भी ऑडिबल होती है। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले अलग से हेल्पर एप्लीकेशंस आपको एक प्लगइन्स की तरह मतलब अटैच करनी होती थी तभी वो सॉन्ग्स प्ले होते थे। तो हेल्पर एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते थे जिसको हम अटैच करते थे अपने ब्राउज़र के साथ, और नेटस्केप उस टाइम ब्राउज़र था तो उसके साथ हम अटैच करते थे इन ऑर्डर टू प्ले अ साउंड फाइल। अगर हमें कोई साउंड फाइल प्ले करनी है लाइक .wav कह लो या .au कह लो या .aiff जो हमारी एक्सटेंशन थी साउंड फाइल की, अगर हमें इस तरह के सॉन्ग्स को प्ले करना होता था तो हमें एक एप्लीकेशन अटैच करनी पड़ती थी अपने ब्राउज़र के साथ उस साउंड को प्ले करने के लिए। वी कैन यूज़ अ प्रोग्राम। हम इसके लिए एक प्रोग्राम का भी यूज़ करते थे जिसका नाम है वैम WHAM। ये हमारा एक बहुत ही ग्रेट एंड इट प्लेज अ ग्रेट मैनी टाइप ऑफ साउंड फाइल। इसके अंदर हम बहुत तरह की साउंड फाइल्स को प्ले कर सकते थे इस हेल्पर एप्लीकेशंस की हेल्प से। सो द ब्राउजर गेट्स द साउंड फाइल। ब्राउजर हमारे जो है साउंड फाइल को गेट कर लेता था एंड डाउनलोड द एंटायर थिंग। तो जो हमारी हेल्पर एप्लीकेशंस थी कैसे वर्क करती थी, सबसे पहले जो हमारा ब्राउज़र होता था वो हमारी साउंड फाइल को गेट इन कर लेता था एंड डाउनलोड द एंटायर थिंग, और जो साउंड फाइल्स रिलेटेड जो भी हमारी फर्दर फाइल्स को डाउनलोड कर लेता था। वंस द डाउनलोड इज़ कम्प्लीट, जैसे हमारी डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो जाती थी तो हमारी हेल्पर एप्लीकेशन जो होती थी वो लॉन्च हो जाती थी और ब्राउज़र जो था वो साउंड फाइल को लोड करता था एप्लीकेशन में, हेल्पर एप्लीकेशन के अंदर, एंड फिर हमारी जो एप्लीकेशन होती थी वो साउंड को प्ले करती थी। तो ये हमारा था कि कैसे हेल्पर एप्लीकेशंस वर्क करती थी ब्राउजर में। सो हेल्पर एप्लीकेशन में हम प्लगइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमारी हेल्पर एप्लीकेशंस ही हैं। सो प्लगइन बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं जो ब्राउजर्स की हेल्प करते हैं उसको परफॉर्म करने में हायर लेवल पर। प्लगइन इज अ सॉफ्टवेयर एड ऑन, आप इसको एक सॉफ्टवेयर एड ऑन बोल सकते हैं जो एक प्रोग्राम में इंस्टॉल्ड होता है किसी भी प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्टेड टू वॉच अ वीडियो ऑन अ वेबसाइट
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वीडियो वॉच करना चाहते हैं वेबसाइट पे, तो इसके लिए आपको एक प्लगइन चाहिए होता था। जब प्लगइन अगर प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो आपका जो ब्राउज़र है वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि इस वीडियो को कैसे प्ले करना है। जो हमारे आज के टाइम में जो भी हमारे ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो प्लगइन्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। हमें किसी भी वीडियो को प्ले करने के लिए प्लगइन्स को इंस्टॉल अलग से हेल्पर एप्लीकेशन की तरह करना होता था। अ साउंड प्लगइन डस बेसिकली द सेम थिंग द हेल्पर एप्लीकेशन डस। जो हमारा प्लगइन्स होते हैं वो सेम थिंग वैसे ही परफॉर्म करती हैं जिससे हेल्पर एप्लीकेशन करती थी। एक्सपेक्ट इट वर्क इनसाइड द नेटस्केप नेविगेटर विंडो रादर देन स्टार्टिंग अप एज अ होल अदर प्रोग्राम। इंस्टीड ऑफ वैम पॉपिंग अप हेल्पर एप्लीकेशन में जैसे हमारा वैम पॉपअप हो जाता था एंड नेटस्केप बीइंग पुश टू द बैक, इस केस में हमारा जो है ऐसा नहीं है। जो साउंड की प्लगइन्स हैं वो वर्क करती हैं इनसाइड ऑफ द नेटस्केप नेविगेटर। हमारा जो नेटस्केप नेविगेटर है उसी के अंदर ही हमारी जो साउंड प्लगइन्स हैं वो वर्क करते हैं। दैट अलाउज यूजर्स टू कंटिन्यू प्लेइंग विद द पेज वाइल द साउंड इज रनिंग। ओके, सो ये हमारा जो जैसे हमारा साउंड रन हो रहा होता है तो ये जो हमारे प्लगइन्स होते हैं ये प्ले करते रहते हैं वेब पेज के अंदर ही। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लगइन्स। नेक्स्ट इज मीडी। मीडी की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्ट करता है इन बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड दैट समथिंग दैट क्रिएट द साउंड, सॉर्ट ऑफ लाइक रनिंग अ गिटार यूजिंग अ कंप्यूटर एंड देन आउट ऑफ अ स्पीकर। अ मीडी फाइल ओवर द वेब वर्क्स एज ए प्रोग्राम दैट रन्स द साउंड कार्ड। मीडी फाइल जो है हमारी वेब पर वो एक प्रोग्राम की तरह वर्क करती है जैसे हमारा साउंड कार्ड वर्क करता है। द मीडी फाइल इज नॉट सिंपली रीड एंड रिप्रोड्यूस लाइक अ .wav और एन au फाइल। जो हमारी मीडी फाइल होती है वो डायरेक्टली नहीं रिप्रोड्यूस करती साउंड को। द मीडी फाइल सॉर्ट ऑफ प्लेज इज साउंड कार्ड, इट टेल्स द साउंड कार्ड को दैट विच नॉट टू प्रोड्यूस। इट टेल्स द साउंड कार्ड कि हमें कौन सी नोट को प्रोड्यूस करना है एंड कितनी ड्यूरेशन तक हमें इसे प्रोड्यूस करना है। पुट इनफ ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इट साउंड लाइक म्यूजिक। इसकी जो साउंड होती है वो म्यूजिक की तरह ही होती है, पर ये डायरेक्टली साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती है। ये साउंड कार्ड को पहले कहती है कि आप नोट को प्रोड्यूस करो एंड कितने ड्यूरेशन तक आपको इसे प्रोड्यूस करना है। मोस्ट ऑफ द मीडी म्यूजिक दैट वी हियर साउंड्स लाइक अ बैड लिटल कैसियो कीबोर्ड। जो हमारी बहुत सारी अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द मीडी म्यूजिक की अगर हम बात करें तो इसकी जो साउंड होती है वो हमारी कैसियो कीबोर्ड की तरह ही होती है। हायर लेवल साउंड कार्ड्स कैन प्रोड्यूस द मीडी जस्ट एज क्लियर एज मैनी इंस्ट्रूमेंट कुड। इट्स रियली अमेजिंग वैन यू हेयर इट। जो हमारे हायर लेवल के साउंड कार्ड होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्टली एज मीडी जस्ट लाइक एनी इंस्ट्रूमेंट। इट्स अमेजिंग वैन यू हेयर इट। जब आप मीडी के मीन साउंड को हेयर करेंगे तो ये वेरी अमेजिंग होती हैं। मीडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डिज़ाइन किया गया था बेसिकली रिकॉर्डिंग करने के लिए एंड प्लेइंग बैक म्यूजिक ऑन डिजिटल सिंथेसाइजर। ये डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता म्यूजिक साउंड कार्ड, ये प्रोड्यूस करते हैं मतलब प्ले करते हैं म्यूजिक ऑन डिजिटल सिंथेसाइजर दैट इज सपोर्टेड बाय मैनी मेक्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर साउंड कार्ड्स। ओरिजिनली इंटेंडेड टू कंट्रोल वन कीबोर्ड फ्रॉम अनदर इट वॉज क्विकली अडोप्टेड फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। ये हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उन्होंने इजिली क्विकली इसको अडॉप्ट किया हुआ है। रादर देन रिप्रेजेंटिंग म्यूजिकल साउंड डायरेक्टली, म्यूजिक साउंड को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने के अलावा ये हमारे जो होते हैं ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट कि कैसे हमने म्यूजिक को प्रोड्यूस करना है। द कमांड सेट इंक्लूड नॉट ऑन्स नॉट ऑफ की वेलोसिटी पिच बैंड एंड अदर मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग अ सिंथेसाइजर्स। द साउंड वेव प्रोड्यूस आर दोज ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ वेव टेबल। जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो हमारी स्टोर होती हैं वेव टेबल के अंदर इन द रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट और साउंड कार्ड। सो जो हमारे मीडी होते थे वो एक ऐसे प्रोटोकॉल था जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, और म्यूजिक को जो ये प्रोड्यूस करता था वो पहले डिजिटल सिंथेसाइजर पे करता था, उसके बाद हमारी साउंड जो होती थी वो प्रोड्यूस होती थी। सो मीडी जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है ये एक डिजिटल इंटरफेस है म्यूजिक इक्विपमेंट के लिए। देखिए ये आपका जो
पियानो है, इसके बीच में आप देखिए तो ये सिस्टम और इसके बीच में वर्क कर रहा है। म्यूजिक मिडी इज़ नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप इसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते, जो ये बेसिकली एक डिजिटल इंटरफेस है म्यूजिक इक्विपमेंट के लिए। मिडी रिप्रेजेंट रिकॉर्ड, मिडी हमारा जो रिकॉर्ड करता है एंड प्ले करता है पैटर्न ऑफ म्यूजिक प्लेइंग, नॉट रिकॉर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये जो हमारे म्यूजिक होता है इसकी साउंड को रिकॉर्ड नहीं करता, ये पैटर्न ऑफ म्यूजिक प्ले जो होती है म्यूजिक प्लेइंग है उसके पैटर्न्स को प्ले करता है एंड उसे रिकॉर्ड करता है। मिडी फॉर्मेट फॉर एन एम्बेड, आप अपनी कोडिंग में कैसे मिडी फॉर्मेट को एम्बेड करेंगे, सबसे पहले आप एम्बेड कोड लिखेंगे, इसके एट्रीब्यूट जो सोर्स है इसमें आप लोकेशन देंगे, पाथ देंगे अपनी फाइल का जो आपका सॉन्ग है और जो भी आपकी म्यूजिक फाइल है। ऑटो स्टार्ट में आपने फॉल्स किया हुआ है कि एक बार प्ले होने के बाद दोबारा प्ले नहीं होगा, लूप को आपने फॉल्स कर रखा है मींस ये एक बार प्ले होने के बाद अगेन एंड अगेन प्ले नहीं होगा। विड्थ सेट कर रखी है, हाइट सेट कर रखी है, अलाइनमेंट इसके आपने सेंटर में जस्टिफाई की हुई है एंड एम्बेड को आपने क्लोज कर दिया। सो ये है मिडी फॉर्मेट फॉर एन एम्बेड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एम्बेड जो है, हमने एम्बेड वर्ड कई बार हम यूज़ कर रहे हैं अपनी कोडिंग में, इसका मीनिंग ये होता है कि एम्बेड टैग्स जो होता है ये बेसिकली ब्राउजर को ये बताता है कि एम्बेड साउंड हमारी किस लोकेशन पर है, या हम कह सकते हैं कि ये उस प्लगइन्स को गेट करता है। अगर आपकी कोई भी प्लगइन्स अवेलेबल नहीं है तो ब्राउजर जो है वो थ्री थिंग्स करता है, या तो डू नथिंग क्योंकि अब उसके पास प्लगइन्स का एड्रेस ही नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा, पुट अप अ डायलॉग बॉक्स, या फिर डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर है, टेल यू, या आपको ये भी नोटिफिकेशन मिल सकता है कि जो आपकी प्लगइन्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट है इस फाइल को ओपन करने के लिए एंड आस्क यू इफ यू वुड लाइक टू गेट इट। नेक्स्ट हमारा हाइट एंड विड्थ हम सेट करते हैं एम्बेड टैग के अंदर, जो हमारा कंट्रोल पैनल का एक साइज बताता है आपके वेब पेज पे, जो कंट्रोल पैनल होता है वो टॉप ऑफ द पेज पर होता है एंड वॉज गिविंग अ साइज ऑफ 145 पिक्सल्स बाय 55 पिक्सल्स हाई। इफ वी डू नॉट वॉन्ट अ पैनल, अगर हम ऐसा पैनल नहीं चाहते हैं तो हम हिडन को येस कर देते हैं, तो आपको जो भी पैनल का हाइट एंड विड्थ वगैरह जो आपको मेन पेज पर शो हो रही थी वो आपको नहीं शो होगी क्योंकि आपने हिडन को ट्रू या येस सेट कर दिया है एंड हाइट एंड विड्थ को आप जीरो भी सेट कर सकते हैं इस केस में। SRC का मतलब होता है सोर्स, जो ब्राउजर को ये बताता है कि आपकी जो ऑडियो फाइल है वो किस लोकेशन पर है। ऑटो स्टार्ट का मतलब ये है कि आपकी फाइल अगेन एंड अगेन स्टार्ट नहीं होगी, आप इसको ट्रू और फॉल्स पे सेट कर सकते हैं। लूप भी इसी तरह से वर्क करता है, आप इसको ट्रू एंड फॉल्स पर सेट कर सकते हैं।